हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो दोस्तों, इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है जो कि टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट का है। तो इसके लिए आपको जाना है सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है sharsar.gov.in। इस वेबसाइट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में कैरियर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कैरियर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे एकदम ऊपर में न्यू कहकर लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी आर ओपन, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कहाँ पे आपको क्लिक करना, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, उस अप्लाई के जगह पे आपको लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करके लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जहाँ पे अप्लाई करके लिखा है, यहाँ पे आप स्टेटस में देख सकते हैं अप्लाई नाउ, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसको देखने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट लिखा है। तो यहाँ पे आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है और डेटेड जो है 26/4/2023 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट Level 7, ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिनेमेटोग्राफी एंड फोटोग्राफी पोस्ट के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है, दो पोस्ट है जिसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो पोस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दो पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एक पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 पोस्ट है। उसके बाद चल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट Level 7 का है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट है, फिजिक्स में 2 पोस्ट है, फिजिक्स में फिर 1 पोस्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट का 2 पोस्ट है। उसके बाद चल जाते हैं यहाँ पे हम लोग का जो ITI लेवल का वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, टेक्नीशियन बी Level 3, जहाँ पे आपको बेसिक शुरू होता है 21,700 से 69,100 तक। तो पहला पोस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पोस्ट है केमिकल के लिए, जिसमें आपका टोटल जो है पोस्ट है 10, जिसमें आपका UR में 5 है, OBC में 3 है, EWS में 2 है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया है SSC यानी कि 10th, साथ में ITI या तो अप्रेंटिसशिप अगर आपका है तो ठीक है, अगर आपका 10th के बाद ITI है तो भी चलेगा, अगर 10th के बाद डायरेक्ट आपका अप्रेंटिसशिप है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड में मांगा गया है देख सकते हैं, केमिकल में मांगा गया है, केमिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा चल जाते हैं टेक्नीशियन बी, जिसमें आपको फिर केमिकल पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी है जो कि है PCR यूनिट के लिए है, ये अलग दिया गया है, इसमें एक UR पोस्ट में है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केमिकल के लिए जो पहला वाला है वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 6 पोस्ट है, जिसमें UR में 3, OBC में 2, EWS में 1, इसमें भी आपको 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है। उसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में फिर 2 पोस्ट है जो कि PCR यूनिट के लिए रिजर्व है, जहाँ पे आपको एक UR के लिए है, एक EWS के लिए ये। उसके बाद चल जाते हैं फिटर के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जिसमें आपका 17 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 8 है, OBC के लिए 6 है और EWS के लिए 3 है, इसमें आपको 10th प्लस ITI फिटर मांगा गया है।
उसके बाद फीटर के लिए जो PCR यूनिट के लिए है वहाँ पे आपको दो पोस्ट है, जिसमें एक UR के लिए है, एक EWS के लिए है। उसके बाद मशीनिस्ट में आपका तीन पोस्ट है, जहाँ पे आपको UR में दो है, EWS में एक है, ठीक है। इसमें भी आपको ITI होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी आपका अच्छा पोस्ट है, जिसमें आपका 13 पोस्ट है, UR में 6 है, OBC में 5 है, EWS में 2 है, ठीक है। इसमें भी आपको ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए। फिर डीजल मैकेनिक में आते हैं, डीजल मैकेनिक में आपका 3 वैकेंसी है, UR में 2, OBC में 1, और यहाँ पे देख सकते हैं ITI प्लस डीजल मैकेनिक आपको ट्रेड का 10th प्लस डीजल मैकेनिक ट्रेड का ITI होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का एक सीट है, जहाँ पे आपको 10th प्लस ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए। उसके बाद प्लम्बर में देख सकते हैं दो पोस्ट में, जहाँ पे एक UR के लिए है, एक OBC के लिए है, और यहाँ पे आपको 10th प्लस ITI प्लम्बर ट्रेड का होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है पंप ऑपरेटर का मैकेनिक काम, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक पोस्ट में आपको जहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, UR में 3, OBC में 3, ST में 1 है। इसमें आपको क्या होना चाहिए, 10th प्लस ITI पंप ऑपरेटर मैकेनिक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो है डीजल मैकेनिक विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ पे आपका 3 पोस्ट है, UR के लिए 2, OBC के लिए 1 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको 10th प्लस ITI डीजल मैकेनिक होना चाहिए, साथ में जो है आपको वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए एक पोस्ट है, जहाँ पे UR के लिए रिजर्व है, और जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपको 10th प्लस ITI RAC ट्रेड में होना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन भी जो है आपका सेम पे स्केल है टेक्नीशियन भी जैसा। तो यहाँ पे ड्राफ्टमैन भी सिविल जो है यहाँ पे दो पोस्ट है, एक UR के लिए है, एक OBC के लिए है। इसमें क्या होना चाहिए, आपको ITI प्लस ड्राफ्टमैन सिविल का 10th प्लस ITI ड्राफ्टमैन सिविल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में एक सीट है, UR के लिए रिजर्व है। इसमें आपको 10th प्लस ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका कितना कितना कौन सी पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पे एंड अलाउंसेस, पे एंड अलाउंसेस जैसे यहाँ पे कौन कौन सी के लिए पोस्ट के लिए कितना कितना आपको पे एंड अलाउंसेस दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस जो आपका सैलरी बनेगा 30,814, और यहाँ पे एज लिमिट जो रखा गया है बहुत ही बढ़िया जो है 18 से 35 साल UR कैंडिडेट के लिए, और जो लोग SC ST OBC के लिए आता है उन लोग को 5 साल 3 साल ऐसे करके जो है छूट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो हम लोग टेक्नीशियन पोस्ट के लिए देखते हैं, तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 26, ठीक है, 11 से 26 जो यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 26 जो पोस्ट है उसके लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, लेकिन आपको 500 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में अटेंड करते हैं तो अटेंड करने के बाद जो है आपको 400 रुपीज़ जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और जो लोग SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उसको भी 500 रुपीज़ दे के फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन उसको क्या है उसको 500 रुपीज़ ही रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है। जो UR कैटेगरी का है उसको 400 रुपीज़ रिफ़ंड होगा, 100 रुपीज़ काट के, और बाकी जो अदर्स कैटेगरी है जो रिजर्व कैटेगरी है उसको कुछ भी पैसा नहीं काटा जाएगा, डायरेक्टली आपको 500 काट के एग्ज़ाम अगर दीजिएगा तब रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम में अटेंड नहीं करते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स में जैसे आपका फ़ोटो अपलोड्स करना है, कितना साइज में, जैसे 40 KB में डायमेंशन 110x140 पिक्सल, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे
क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको डाउनलोड करना अपलोड करना है ये सब देख लीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या है, रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट हम लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा देख सकते हैं टेक्नीशियन भी और आदर्श जितना पोस्ट है उसके लिए देखिए यहाँ पे जो है रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और 1.5 घंटा आपको टाइम रहेगा, जिसमें आपका 1 मार्क करके रहेगा और 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट में 100 मार्क्स रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रिटेन टेस्ट में 80 में से आपको 32 नंबर्स लाना है, स्किल टेस्ट में आपको 100 में से 50 लाना है, वैसे आपको रिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए जो है 80 में से 24 लाना है और 100 में से 40 लाना है, ठीक है। तो ये था, और इसके बाद देख सकते हैं एग्ज़ाम सिटी इस बार बहुत सारे एग्ज़ाम में सिटी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इतना सारा जो स्टेट्स में आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो आपका नज़दीक जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे जैसे आपका ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ दिया गया है, जैसे ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो रहा है 26/4 यानी कि 26 अप्रैल 2023 10 बजे से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, और ये चलेगा आपका 16 मई 2023 5 बजे तक, ठीक है। और आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का लास्ट डेट है वो है 17 मई 5 बजे तक, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस अभी रेगुलरली आप चैनल में अपलोड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।